Hello students, today we will discuss the question which has come from IIT 2005 examination. The area of equilateral triangle in which three coins are of radius 1 cm are placed as shown in figure. तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें तीन कॉइन रखे हुए हैं जिनकी रेडियस क्या है, वन दे रखी है आपको रेडियस. ये रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर. ये फिगर दे रखा है, ठीक है. तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. एज टेंजेंट्स draw from external point to the circle subtends equal at center. तो यहां आपको ए बी यहां पर कंसीडर कर लो, ए बी ये वाला पॉइंट आपका मान लो आप डी, ठीक है. इसको इस तरीके से हम अगर बना दें तो ये वाला पॉइंट आपका डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है. ये ओ वन सेंटर हो गया, ये ओ टू सेंटर हो गया, ये ओ थ्री सेंटर हो गया. यहां से ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ पर एंगल ओ वन बी डी ये आपका क्या है, 30 डिग्री है. इन ट्राइंगल ओ वन बी डी आप देखो टेन 30 की आप बात करोगे तो टेन 30 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ओ वन डी, ठीक है, ये, और बेस क्या है, बी डी. ओ वन डी आपको यहाँ पर 1 दे रखा है क्योंकि रेडियस आपकी 1 है, तो ये बी डी आ जाएगा, 1/BD आ जाएगा. और ये कितना है, 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है ना, 10/30. तो बी डी आपका √3 सेंटीमीटर आ जाएगा. ऑल्सो आप डी ई निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है. और ये इसकी सेम पैरेलल लाइन है डी की, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, ओ वन से ओ टू तक आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, राइट. और BD आपका यहाँ निकला ये √3. सिमिलरली ये EF भी जो है आपका क्या हो जाएगा, EF जो है आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है. अब यहां से आप पूरा बी एफ देखो कितना आ रहा है, बी डी डी ई ई एफ, ठीक है ना, इसको प्लस कर देंगे ना, तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो 2 प्लस
टू रूट थ्री ये आपको मिल जाएगा। सो एरिया आपका यहां पर क्या है, रूट थ्री बाय फोर बी एफ का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर टू प्लस टू रूट थ्री होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सिक्स प्लस फोर रूट थ्री आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।